अच्छा घर है, जिसके यहां डनलप के गद्दे बिछे हैं वो अच्छा घर है, खूब जोरदार गाड़ी बंगला सो अच्छा घर है? नहीं, अच्छा घर, अच्छा घर तो हमने एक बार पहले कथा में कही थी, मकान बनाओ मना नहीं है, घर बनाओ मना नहीं है, पर घर अच्छा बनाने के लिए दो अच्छे होना चाहिए। मकान अच्छा बनाने के लिए, घर अच्छा बनाने के लिए दो अच्छे होना चाहिए, पहले नंबर पर मिस्त्री, दूसरे नंबर पर स्त्री। अगर ये दो अच्छे हैं तो तुम्हारा घर अच्छा है। मिस्त्री थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देगा तो बाथरूम में पानी भरा की भरा ही रहेगा, झाड़ू लगा लगा के निकालना पड़ेगा, वाइपर से निकालना पड़ेगा। मिस्त्री गड़बड़ होगा तो दीवार में सिड़न आ जाएगी, मिस्त्री गड़बड़ होगा तो खिड़की में से पानी अंदर घुस जाएगा, और अगर स्त्री थोड़ी भी अगर गड़बड़ निकली गई तो तू दुकान छोड़ के घर कभी नहीं आ, ये निश्चित है। घर अच्छा बनाने के लिए दो जरूरी है, एक मिस्त्री और दूसरी स्त्री। स्त्री अच्छी हो और मिस्त्री थोड़ा बहुत गड़बड़ भी होगा तो चल जाएगा, मकान अपना है, पर ये जगदम्बा अच्छी होना चाहिए, नहीं तो दिन भर चंद्र घंटा बनकर ये ठीक जरूर, नहीं तो रोज सुबेरे से लेके शाम तक आरती गाते रहोगे, अंबे तू है जय हो छिंदवाड़ा वाले, हम सब उतारे तेरी, तेरे घर के बच्चों पे भीड़ पड़ गई, मिस्त्री और स्त्री दोनों ठीक हो, घर अच्छा परिवार अच्छा। अच्छे घर में अगर जन्म हो जाए, अच्छा घर से मतलब ये नहीं कि फ्रिज ने कूलर ने वॉशिंग मशीन ये नहीं ये ने वो कुछ नहीं, झोपड़े में भी रहो तो बस जहां जिसके साथ रह रहे हो, परिवार में जितने लोग रह रहे हैं सबका दिल अगर खुश है, सास भी प्रसन्न, बहू भी प्रसन्न, बेटा भी प्रसन्न, नाती पंती सब प्रसन्न है तो झोपड़े में भी सुख है। यहां कई लोग बैठे होंगे जिनके घर में पहले मेहमान आते थे तो एक ही दो कमरे का तो मकान होता था, उसी में दरी बिछा के गद्दा बिछा के और सो जाते थे। पहले तो कई कई माताएं तो ऐसी भी हैं जिनके घर में रुई के गद्दे नहीं होते थे, तो टाट टाट का गद्दा सिल के उस पर साड़ी की खोल चढ़ा के उस पर सो जाते मेहमान। एक हॉल के अंदर सारे मेहमान, जो आता था वहीं रहता, जो आता वहीं सोता। धीरे धीरे तुमने सोचा मकान छोटा पड़ता, मकान बड़ा कर लिया, जितना बड़ा मकान होते चले गया मन छोटा होते चले गया। अब बड़ी बहू सोचती है कि हमारे मेहमान हम झेल लेंगे, छोटी बहू अपने मेहमान, सास के मेहमान सास झेले। आज के जमाने में मकान तो बड़ा हो गया, मेहमान अगर घर में आते हैं तो बड़ी बहू अपना कमरा छोड़ के नहीं आती, छोटी अपना कमरा छोड़ के नहीं आती, बेचारी सास धीरे धीरे जाके दो गिलास पानी लाकर पिला देती है मेहमान को, वो झेल देती है। मेहमान पूछते भी हैं, बड़ी बहू नहीं दिख रही, अब उसको कौन के, कौन के? कभी कभी तो पूरी पुराण की लीला भी पलट जाती, हमने देखा है कई बार। एक बार हम लोग हैदराबाद जा रहे थे तो हैदराबाद जाते जाते हमारी जो ट्रेन का टिकट था उसमें इधर सामने की दो बर्थ थी, एक पति पत्नी की और इधर की बर्थ हमारी थी, तो हमारे सब बच्चों के साथ हम बैठे थे। अब इधर की बर्थ थी वहां पर लोग बैठे, थोड़ी देर बाद वहां पर एक
नागपुर से कुछ लड़के चढ़ गए और लड़के चढ़े और लड़के ने चढ़ते से देखा कि महाराज तो धोती पहन के बैठे हैं, तो उन्होंने पूछा आप कथा करते हो? हमने कहा हाँ। आप कथा करते हो? बहुत पहले की बात है, 15-20 साल पहले। आप कथा करते हो? हाँ। लड़कियां भी थी उन लड़कों के साथ, नागपुर के बच्चे थे, थोड़ा उन्होंने कहा टिटोली कर ले महाराज जी से। फिर कहा आप कथा करते हो? हमने कहा नहीं, कथा करने वाले के दो सींग होते हैं। इतने में लड़कियां हंसकर कही महाराज जी आपको बुरा लग गया? हमने कहा हमको बुरा नहीं लगा, हमारा एक क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं? हमने कहा क्या क्वेश्चन है बताओ? तो उन्होंने कहा हमारा क्वेश्चन ये है कि भगवान ने हाथ दिए, पांव दिए, सब दिया, पर भगवान ने जो ये कान दिए भगवान ने तो सुनाई तो ये दो छेदों से देता है, फिर भगवान ने ये क्यों बनाया?